सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? और जब से भाई मैंने ऐसे एंड्रॉइड अल्ट्रा पर वीडियो बनाई है, आप लोग कमेंट में बस एक ही चीज़ टाइप कर रही हो कि भाई हमें कोई कैमरे वाली एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच ला कर दिखाओ। तो फाइनली आपको और मेरा इंतजार खत्म हो चुका है। मेरे पास है ये एंड्रॉइड X8 अल्ट्रा, जिसके अंदर आपको इनबिल्ट कैमरा देखने के लिए मिलता है। और ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है, तो आप इसमें सिम कार्ड लगाकर इंटरनेट के मजे उठा पाओगे। साथ ही साथ एप्लीकेशन जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्ले स्टोर, इन सब का एक्सेस आपको मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं, तो बस आप एंड तक बने रहना। चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी स्मार्ट वॉच को मैंने बाय करा है जोन अल्फा से, एंड इसकी बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये रहा हमारे पास इस वॉच का बॉक्स। सबसे पहले इसे अनरैप कर लेते हैं। बात करें बॉक्स की फ्रंट साइड के बारे में, तो X8 अल्ट्रा की ब्रांडिंग, साथ में कैमरा, सिम कार्ड एंड LTE के बारे में बताया गया है। तो करते हैं इसे ओपन। तो भाई बॉक्स में सबसे पहले हमें मिल जाती है ये क्विक स्टार्ट गाइड, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोवाइड करवाई गई है। इसे जरा फिलहाल साइड में रख देती है। फर्दर हमें बॉक्स में मिल जाती है चार्जिंग केबल, जो कि व्हाइट कलर में है, इसकी वायरिंग भी अच्छी खासी लंबी है। फर्दर हमें मिल जाता है ये मेन डायलर, जो कि फुल्ली रैप्ड है, इसे फिलहाल साइड में रख देती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये ऑरेंज कलर के स्ट्रैप्स, जिनकी क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी मिलती है। बाकी बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है ये सिम इजेक्टर टूल। इसे यूज़ कैसे करना है इसके बारे में आगे वीडियो में बता दूंगा। बाकी इसके बाद हमें प्रोवाइड करवाया गया ये ट्रांसपेरेंट TPU केस। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम मेन डायलर के बारे में, एंड सबसे पहले जरा से अनरैप्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी अच्छी तरीके से पैक्ड मिला है हमें। फटाफट से आप देख सकते हैं उसका फर्स्ट लुक। इसे जरा हम स्विच ऑन कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हेलो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो राइट हैंड साइड पर आपको वर्किंग क्राउन मिल जाता है, एक माइक्रोफोन मिल जाता है, एंड साथ में पावर ऑन ऑफ बटन। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई गई ये स्पीकर ग्रिल, एंड ये मिल जाती है हमें सिम ट्रे। फटाफट से जो हमारे पास वो ब्लू कलर का सिम इजेक्टर टूल था ना, उसका यूज़ यहीं पर आने वाला है। इसे हमें आराम से ऐसे लगाना है, एंड आपकी सिम ट्रे बाहर आ जाएगी, जहाँ पर आप अपने हिसाब से 4G, 5G, 3G सिम कार्ड लगा सकते हो। वैसे ये 4G आपको देखने के लिए मिलती। फटाफट से वापस रख देते हैं। एंड बात करते अगर ओवरऑल मेन डायलर के बारे में, तो अच्छी खासी बिल्ड आपको प्रोवाइड करवाई गई है। बैक साइड पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग के लिए स्पॉट मिल जाता है, एंड एक 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। साथ में चारों तरफ आपको स्क्रूज भी प्रोवाइड करवाई। बाकी अगर बात करते हैं इस वाली स्मार्ट वॉच के क्राउन के बारे में, तो ये भी काफी स्मूथली वर्क करता है। आप इससे सिंपल इसके वॉच फेसिस को स्विच कर सकते हो। तो आप फटाफट से अटैच कर लेते हैं इसके स्ट्रैप्स को, देन बात करेंगे फर्दर इसकी डिस्प्ले फीचर्स एंड इसके ओवरऑल लुक्स के बारे में। तो भाई हम यहाँ पर स्ट्रैप्स को अटैच कर चुके हैं, अगर आप ओवरऑल लुक्स देखते हो तो काफ़ी प्यारी निकल कर आई है। अगर आप बैक साइड पर देखोगे तो स्ट्रैप लॉकिंग का सिस्टम भी आपको प्रोवाइड करवाया गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले के बारे में, तो आपको इसमें 2 इंच की एक HD डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है, जिसकी ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले विजिबिलिटी के बारे में, तो फिलहाल ये इंडोर में नॉर्मल लाइट में है, तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे आउटडोर में भी यूज़ करते हो, तो 600 nits की आपको पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है, जिसके चलते हुए आउटडोर में भी आपको क्लियरली टाइम वगैरह विजिबल हो जाएगा। बात करते हैं नैंड फील के बारे में, तो डायलर ज्यादा बड़ा नहीं दिखता, अगर आप इसे हाथ में पहनोगे तो एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच वाली फील आपको ये दे देगी। अब अगर बात करते हैं UI के बारे में, तो ऊपर से स्लाइड करने पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, जिन्हें आप सिंगल टैप पर क्लियर कर सकते हो, एंड नीचे से ऊपर स्लाइड करने पर आपका कंट्रोल पैनल निकल कर आ जाएगा, जहां से आप NFC एयरप्लेन मोड को ऑन कर सकते हो। एंड अगर आपने इसमें सिम कार्ड लगाया है, तो आप इंटरनेट कनेक्शन को भी यहीं से ऑन कर पाओगे। बाकी आप इसमें लॉक वगैरह लगा सकते हो, पासवर्ड अगर आपको लगाना है, तो वो सब फीचर भी आपको इसमें मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है, जिसके आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। आउटडोर में हो तो फुल ब्राइटनेस पर यूज करो, इंडोर में हो तो 50% काफी है। बात करते हैं इसकी सेटिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपने इस वाली स्मार्ट वॉच में सिम कार्ड नहीं लगाया है, तो आप इसे अपने वाईफाई से कनेक्ट कर इंटरनेट का मजा उठा पाओगे। फिलहाल मैं इसे कनेक्ट कर ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको 7 से 8 कस्टमाइज वॉच फेसेस मिल जाती है इनबिल्ट, जिन्हें कि अपने ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से यूज कर पाओगे। बाकी और भी काफी सारे वॉच फेसेस है, जिन्हें आप एक्सेस ले सकते हो इसके एप्लीकेशन के थ्रू। राइट साइड से स्लाइड करने पर आपको सभी एप्लीकेशन मिल जाएगी, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, जिन्हें आप यूज कर सकते हो। बात करते हैं अगर एप्लीकेशन के बारे में, तो क्रोम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी फर्दर सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर भी काफी सारे फीचर्स मिल जाती है, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई हॉटस्पॉट जैसे फीचर्स,
एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा लोकेशन का फीचर, साथ साथ ब्राइटनेस कंट्रोल, वो सब आप यहाँ से कर पाओगे। एंड अगर आपको बात करनी है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बारे में तो आप उनके साइज को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल जाता है एंड साथ ही साथ आपको चार तरीके के मेनू स्टाइल प्रोवाइड करवाए गए हैं जिन्हें कि आप यूज़ कर सकते। डेट एंड टाइम अगर आपको करना है, पासवर्ड, SOS जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाती है। एंड अगर बात करते हैं अबाउट वाले सेक्शन में तो ये फिलहाल स्मार्ट वॉच एंड्रॉइड 10 पर वर्क करती है। अगर बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाता है, फाइल एक्सप्लोरर का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप सिंपली कैटेगरी वाइज या फिर स्टोरेज वाइज एप्लीकेशंस को चेकआउट कर सकते। बात करते हैं इसके हार्टरेट सेंसर के बारे में तो फिलहाल हम फटाफट से हार्टरेट सेंसर को ऑन कर देते हैं, देखते हैं इसकी मेजरमेंट्स कैसी है। तो काफ़ी देर हवा में रखने के बाद इसने जो मेजरमेंट है वो 0 दिखाई है। फटाफट से जरा से मैं हाथ में पहन लेता हूँ एंड अब जरा चेकआउट करते हैं कि इसकी मेजरमेंट्स कैसी निकल कर आती है। तो काफ़ी देर मेज़र करने के बाद इसने फाइनली हार्ट रेट 84 दिखाई है। तो सेंसर्स वगैरह ठीक ठाक है, आप इन्हें फिर भी हेल्थ इशूज़ के लिए यूज़ ना करें। बाकी बात करते हैं अगर इसके स्पोर्ट्स मोड के बारे में तो अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हो तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए इसमें कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाया गया है जो कि एग्जाम्स वगैरह में आपकी मदद कर सकता है। एंड आप जैसे अपने स्मार्टफोन में ऐप बैकग्राउंड रनिंग को ऑफ ऑन कर सकते हो, वो सब फीचर्स आपको इस स्मार्ट वॉच में मिलते हैं। साथ ही साथ आप इस वाली स्मार्ट वॉच को एज अ रिमोट यूज़ कर सकते हो अपने स्मार्ट फोन का। आप कैमरास के लिए फोटो ले सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ फाइंड माय फोन जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाती है। बात करें कुछ और फीचर्स के बारे में तो आप इसमें वीडियोस वगैरह चला सकते हो जो आपने इसमें रिकॉर्ड करी है या फिर आपने कोई डाउनलोड करी है, वो सब भी आप प्ले कर पाओगे। बाकी अगर अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेट यूजेस के बारे में तो क्रोम वगैरह के मैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फटाफट से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले हम चलाने वाले इसमें यूट्यूब। एंड यूट्यूब पर आप लॉन्ग वीडियो चला सकते हो, शॉर्ट वीडियो चला सकते हो, लेकिन यार स्मार्ट वॉच थोड़ी सी मेरे को लैगी फील हुई है। बाकी मेरे पास एसेट एंड्रॉइड अल्ट्रा भी है। अगर आप चाहते हो मैं इन दोनों की कंपैरिजन वीडियो लाऊं तो उस वाली वीडियो पर हम 200 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं। जैसे ही आप इसे पूरा कर लेते हो हम दोनों स्मार्ट वॉचेस की कंपैरिजन वीडियो ले आएंगे आपके लिए। बाकी यार लाइक तो जरूर से कर देना, लाइक MBM 500 का तो रख ही लेती है। अब अगर बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन के बारे में तो गूगल मैप्स आपको मिल जाती है, यूट्यूब मिल जाती है, साथ ही साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, प्ले स्टोर, ये सब प्रोवाइड करवाई गई है। प्ले स्टोर को यूज करने के लिए आपको उसमें साइन इन करना होगा। बाकी टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन भी आपको उसमें देखने के लिए मिल जाती है। भाई मन तो बहुत ताकि से अनइंस्टॉल कर दूं लेकिन मेरे को अनइंस्टॉल करने वाला ऑप्शन ही नहीं मिला। अब जरा बात कर लेते इसके मेन फीचर के बारे में। भाई इस वाली स्मार्ट वॉच में आपको 7 MP का कैमरा मिल जाता है। तो ये है इसकी कैमरा क्वालिटी, आपके सामने ही मैंने लाइव फोटो क्लिक करी है एंड आप देख सकते हो। मैं कहूंगा स्मार्ट वॉच के हिसाब से कैमरा आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यार अगर आप इसे स्मार्टफोन के कैमरे से कंपेयर करते हो यार कोई तर्क ही नहीं बैठता कंपेयर करने का। ये एक स्मार्ट वॉच है, वो एक स्मार्टफोन है। बाकी आप इसमें फोटोज क्लिक कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको उसमें वीडियोस रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको किसी पर नजर रखनी है तो आप इसे एज अ स्पाई कैमरा भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसके कैमरे को गलत तरीके से इस्तेमाल करो। बाकी अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इसके कैमरे की वीडियो और फोटो क्वालिटी मेरे को ठीक ठाक लगी, ज्यादा अच्छी नहीं है। तो भाई यही था इस वाली स्मार्ट वॉच के बारे में एंड मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हो कि इसका हम एसेट के साथ कंपेरिजन वीडियो लाए तो इस वाली बात के लिए आपको 200 कमेंट एंड 500 लाइक का एम पूरा करवाना होगा। बाकी इस वाली स्मार्ट वॉच की बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वाली बात के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आई हो तो क्या कर रहे हो भाई, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ग्रे कर दो। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पर्सनली आपको ये एक्सेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच कैसी लगी एंड इस वाली स्मार्ट वॉच की बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मेरे पास एक और स्मार्ट वॉच है जो कि मैंने फिलहाल वियर कर रखी है, ये है मेरे पास डायनेमिक आइलैंड वाली सीरीज 9, जिसके बारे में हम बात करने वाली है अगली वीडियो में। तो उस बात के लिए आप सब्सक्राइब अभी से कर लो। बाकी तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।